आगे मत जाओ प्लीज, पीछे से खेलो जो भी। रेड बाजू चेस सलामी चेस। सबसे पहले जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, अलग लगी, क्योंकि शायद मैंने रिवेंज पे बहुत सारी मूवीज देखी हैं, बट रिवेंज का जो अदर साइड या उसका आउटकम क्या होता है जब हम किसी के से रिवेंज लेने का सोचते हैं, तो वो एक अलग एंगल इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाया है कि कोई हीरो है या हीरोइन है, ये आम लोगों की कहानी है। शायद आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं बहुत रिलेट कर पाई। सो इसीलिए मुझे लगा ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, इसका हिस्सा होना चाहिए। बहुत अच्छा था। आई थिंक थोड़ा इंटेंस है मेरा जो पार्ट है वो, सो मैं जनरली ज़्यादा शूट्स में बात नहीं करती हूँ किसी से, मैं थोड़ा सा आउट जोन हो जाती हूँ और थोड़ा कट ऑफ हो जाती हूँ हेडफोन्स वगैरह लगा के, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए अगर मैं लोगों से हाय हेलो करके एंड देन आई गो फॉर माई शूट्स, उसके लिए साइड में मैं हो जाती हूँ अपने वैनिटी में बैठ के, आई प्रिपेयर माई लाइन्स एंड ऑल। सो वैसे आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, आई थिंक माई डायरेक्टर हिमांशु यादव, ही इज़ सो गुड। इतने ईजी गोइंग है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे अपने यू नो एक्टर से कितना उसको स्पेस देना है एंड देन उसके उससे कैसे वो कैरेक्टर निकाल कर लाना है, इतना रियलिस्टिक कैरेक्टर। सो आई थिंक मैं उनको इसका बहुत सारा क्रेडिट देना चाहूँगी। और कितने टर्निंग पॉइंट होगा ये फिल्म और आगे कोई स्क्रिप्ट कर रही हैं या अभी वर्किंग ऑन है? नहीं, मैं डेफिनेटली मैं आई थिंक तमिल लैंग्वेज की भी एक फिल्म है जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ, हिंदी की भी है, तो अभी स्क्रिप्ट्स में पढ़ रही हूँ। इसके अलावा मैंने टेलीविजन भी किया हुआ है, मैंने बहुत सारे एड्स भी किए हुए हैं, सो फिल्म का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। सो अभी आगे आई थिंक मैं हर तरह के वैसे प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मैंने काम किया हुआ है। थैंक यू। हमारे देश के जो जवान हैं वो हर दिन सुबह उठ के पहले ट्रेनिंग करते हैं और फिर अपनी हमारे देश का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से वी ऑल फील सेफ। सो आई थिंक व्हाई कांट वी गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर वन डे, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। इट्स अ 72nd यू नो इंडिपेंडेंस डे, एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट। फ्रीडम तो सबको बहुत प्यारी होती है, और आप किसी को भी पूछिए फ्रीडम सबसे ज़्यादा शायद हम लोग बोलते हैं, हम खाने के बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। आई थिंक फ्रीडम इज समथिंग यू कैन नॉट स्टे बाय। इनफैक्ट हमारी फिल्म भी इसके बारे में, फ्रीडम फ्रॉम आवर सेल्फ, उसके बारे में हमारी फिल्म, अपने आप से जो फ्रीडम होती है उसके बारे में हमारी फिल्म, जो कि फलसफा 14 सितंबर को आ रही है। और इसलिए मैं सबसे पहले सबको बोलना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू द एंटायर कंट्री। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने यहाँ पर आने के बाद वर्दी के साथ जब आप हम लोग खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम लोग सेफ फील करते हैं। हम लोग असली स्टार्स तो ये होते हैं ऑनेस्टली, और मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ, ये असली स्टार्स हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, हमारे सोल्जर्स जो कि सियाचिन जैसी जगह के ऊपर भी पोस्टेड हैं। मैं आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू सियाचिन, मतलब वहाँ पे एक्सट्रीमली लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर, और इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, इट्स नेक्स्ट लेवल। So happy Independence Day to the entire country, to all the soldiers, to the police department, to everybody. Thank you, everybody. बहुत छोटी लाइन में बोलना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस इज अ बर्थ राइट, हर किसी का बर्थ राइट होता है, बट स्टिल आर फ्रीडम फाइटर्स, दे फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, दे गेव अस इंडिपेंडेंस, एंड वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद। सर मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर भी हूँ। सो इट्स अ फिल्म अबाउट रिवेंज, एंड एज मनीत राइटली सेड दैट वी ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम आर ओन सेल्फ। यू नो वी हैव टू साइड्स टू आर सेल्फ, अ ब्राइट एंड अ डार्कर साइड। तो किस तरीके से डार्कर साइड से इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उसकी जो लड़ाई होती है, जो प्रोटैगनिस्ट की है, उसी के बारे में हमारी कहानी है, विच इज़ रिलीजिंग ऑन 14th of September। ऑल थैंक्स टू यू पीपल, प्रमोशन जोर शोर से क्लियर है कि आप लोग हमारे साथ में हैं, एंड यहाँ से हम लोग अभी सीधा सूरत निकल रहे हैं, एंड यू नो वी आर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड यू नो वेरी मेमोरेबल डे।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं इस बड़े दिन की, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हर भारतवासियों के लिए बड़ा दिन है आज का दिन, तो मेरी तरफ से दिल से सबको मुबारकबाद। ये दिन बहुत मैटर करता है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आज के दिन हम सबको आज़ादी मिली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज के दिन हमारी फिल्म को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हमारी फिल्म भी कुछ इसी टाइप की है। और हमारी फिल्म में एक लड़का है जो अपने माँ बाप के लिए लड़ रहा है। हमारी फिल्म कोई रोमांटिक सिनेमा, कोई ड्रामा नहीं है। हमारी फिल्म हर उस बच्चे के लिए जो अपने माँ बाप से प्यार करता है, जो अपने देश से प्यार करता है, इसलिए हमने आज का दिन चूज़ किया। आज से हम लोगों का आउटडोर प्रमोशन शुरू हुआ, अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस शुभकामना से, यहाँ से लेकर हम लोग सूरत जा रहे हैं, सूरत से हम सिटी टूर शुरू कर रहे हैं। ऑल इंडिया का प्लान है हमारा, इंदौर जा रहे हैं हम, अहमदाबाद जा रहे हैं, उसके बाद में हम दिल्ली जा रहे हैं। तो फिल्म का प्रमोशन हम अच्छे लेवल पर स्टार्ट किए हैं और मेरे ख्याल से अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। डेफिनेटली इंटरनेट, देखिए हमारा जो सिनेमा, अभी जो दौर सिनेमा का आया, इतना अच्छा दौर है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमको अप्रिशिएट किए जाने लगा। और आपको खुशी होगी इस जानकर कि सिनेपोलिस ने सेकेंड लार्जेस्ट दुबई का चेन, थिएटर चेन ले लिया है। ये सारी चीज़ें अचानक नहीं हो रही, ये जो 3-4 सालों में जो परिवर्तन आया है सिनेमा में, तो इस के वजह से हमारा वजूद दुनिया के सामने आया है। यही वजह थी लास्ट ईयर में चाइना में हमने 12,000 करोड़, 900 करोड़, फिर 800 करोड़ का धंधा किया है। तो हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाने लगा है वर्ल्ड वाइड, और ये सही वक्त है हर सिनेमा मेकर के लिए कि अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी सिनेमा को लोगों तक लेके जाए। अभी तो मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट फिलहाल आज हम लोग फ़लसफा के बारे में बातें करते हैं क्योंकि आज हम लोगों ने, सबने सिटी टूर स्टार्ट किया, और अब खुद ही सोचो हम लोगों ने कितना अच्छा दिन चूज़ किया है। जैसे महमूद जी ने कहा कि सिनेमा बहुत बदल चुका है, आजकल किसी को बड़े स्टार्स नहीं चाहिए, सबको कंटेंट चाहिए। क्योंकि जब आप 3 आवर्स देते हो तो आप ये सोच के देते हो कि आप एंटरटेन हो, आपको कुछ अच्छा मिले। आजकल लोग, सिनेमा पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए हमारी जो स्टोरी वो खुद ही हीरो है। हमारे में जो मन्नत है, उसके अलावा जो पूरी एंटायर यूनिट है, सबने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और जैसे महमूद जी ने कहा कि सिनेपोलिस ने जैसे पूरी तरह से कर दिया, सो थिंग्स हैज चेंज्ड कम्प्लीटली। सो वी आर होपिंग कि हमारी फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करें। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।